उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 21 जनवरी से 23 जनवरी तक अप्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उसकी तैयारियों की समीक्षा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। सम्मेलन में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसी को लेकर, क्योंकि 24 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दल के सदस्य 14 जनवरी से ही शुरू हो रहे कुंभ मेले को देखने आ जाएंगे। और इसी पर प्रदेश की एनआरआई विभाग की राज्य मंत्री स्वाति सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा ने। 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक काशी यानी वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवासी विभाग के ऊपर होगी। कल शाम को मुख्यमंत्री ने सभी सहयोगी जो विभाग थे, जो जिन लोगों को इस सम्मेलन की तैयारियों में लगाया गया है, उन विभागों को बुला के समीक्षा की और उनसे आगे किस तरह और क्या क्या कमियाँ हैं, उनको कैसे दूर करना है, किस तरह के इंतज़ाम करने हैं, इसके बारे में निर्देश दिए। इसी पर बातचीत करेंगे हम उत्तर प्रदेश की प्रवासी मंत्री स्वाति सिंह जी से। स्वाति सिंह जी, कल देर शाम मुख्यमंत्री ने एनआरआई जो सम्मेलन है, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन है, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, 21 से 23 जनवरी तक आयोजन होने जा रहा है। कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, तमाम निर्देश भी दिए, तो क्या रहा इस बैठक में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक लिया और एक समीक्षा बैठक थी। वो सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उसके माननीय मंत्री और सभी ऑफिशियल्स वहाँ पर थे, क्योंकि ज़रूरी है, बहुत बड़ा आयोजन है। सभी जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं वो सभी आ रहे हैं, अपने देश में आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो भी इंतज़ाम हो उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उसी की समीक्षा बैठक थी और हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से सरकार तैयार है, हम सभी तैयार हैं, वाराणसी काशी के लोग तैयार हैं, हर कोई तैयार है। चूंकि इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि अब तक इसके पहले अहमदाबाद में आयोजन था, इस बार प्रधानमंत्री, चूंकि नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, और इस बार तैयारी का मेन मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में इन प्रवासियों को कुंभ दिखाने की भी तैयारी है। 24 जनवरी को उन्हें कुंभ ले जाया जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश में इनको आकर्षित करने के लिए सब तमाम चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, सिर्फ देश में ही नहीं, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर के लोगों का ज़रूर थोड़ा सा परसेप्शन पहले ख़राब था, सिक्योरिटी वाइज या बहुत सारी चीज़ें थी, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर को संभाला है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, यहाँ के चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जो भी हो, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और हम तो बाहर गए भी थे, लोगों से मिलकर आए, वो कह रहे थे कि वाराणसी में आना, काशी में आना उनके लिए एक सपना पूरा होने जैसी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कहना चाहिए ये एक सांस्कृतिक विरासत है, काशी हो या फिर कुंभ मेला हो, ये कहीं ना कहीं एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो एक उन्होंने जो कभी देखा नहीं है उन चीज़ों को आकर देखेंगे। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।